हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ पार्ट टू ऑफ डॉक्टर विश्वेश्वरैया। सो बम्बई सरकार की नौकरी करते विश्वेश्वरैया ने नहरों के निर्माण के कार्य में बड़ी दक्षता प्राप्त की। तो व्हेन ही वाज इन जॉब ही गॉट परफेक्शन फॉर कैनल मेकिंग। मुख्यतः शहरों के लिए पानी और तथा नालियों का प्रबंध करने में बहुत ही निपुण थे। तो मेनली व्हाट ही वाज डूइंग मेन वर्क ही इज अरेंजिंग द वाटर फॉर द सिटी एंड दिस कैनल हाउ एग्जिट हाउ दिस वाटर एंड ऑल दिस डर्टी वाटर हाउ वी कैन थ्रो फ्रॉम द सिटी। वे बहुत ही निपुण निकले। शहरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना आसान काम न था। पानी को इकट्ठा करना तथा घरों तक पहुंचाने में असाधारण मेधा की जरूरत थी। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट टाइम टू प्रोवाइड ऑल द फैमिलीज दिस वाटर एंड ऑल। हाउ यू हैव टू कलेक्ट द वाटर, हाउ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, इट्स दैट वन इज मीन्स वेरी रेयर पीपल फॉर दैट वर्क। दे नीड वन टैलेंटेड पीपल। इसलिए उनके प्रमुख नगरों के लिए पानी तथा नालियों की व्यवस्था करने हुए निमंत्रित किए गए। दैट इज एन दे कॉल्ड डॉक्टर विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया जब 31 वर्ष के थे तभी उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य साध लिया। वह है शक्कर बैरेज तथा वाटर वर्क्स का निर्माण। बात सन 1894 की है, 1894। उन दिनों सिंध प्रांत बंबई राज्य का हिस्सा था। नाउ डिवाइडेड, पहले सिंध जो है अभी पाकिस्तान में चला गया है, आज यह प्रांत पाकिस्तान में है। सिंध का बहुत बड़ा भाग रेगिस्तान है। उस प्रांत में शक्कर नामक एक छोटा सा शहर है। इस शहर के लिए पानी का प्रबंध करने का कार्य विश्वेश्वरैया को सौंपा गया। तो दैट टाइम इन सिंध देर इज वन स्मॉल सिटी शक्कर। तो दैट टाइम दे डोंट हैव वाटर बिकॉज देर इज फुली डेजर्ट। तो उस समय हु दिस वन ही टेकन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉक्टर विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया ने बड़ी सूझबूझ एवं दक्षता के साथ यह कार्य संपन्न किया जिससे सारे देश में उनका नाम फैल गया। ही डिड वेरी गुड जॉब। सो नाउ एवरीवन नो अबाउट विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया ने अपने प्रत्येक कार्य में अपनी प्रखर प्रतिभा का परिचय दिया। तो इन हिज एवरी प्रोजेक्ट यू कैन सी हिज टैलेंट। यही कारण है कि जब वे सन 1904 में बंबई सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से शिमला इरिगेशन कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे, तो इन ईयर 1904 में ही वाज अ लीडर और रिप्रेजेंटेटिव फॉर दिस शिमला इरिगेशन कॉन्फ्रेंस। विश्वेश्वरैया की प्रतिभा उन अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। पूना के निकट खड़कवासला नामक एक बांध बनाया गया। इस बांध के लिए ऑटोमेटिक गेटों का डिजाइन आपने ही किया। तो दैट टाइम इन 1904 में जब उन्होंने लाइक फर्स्ट टाइम दही में ऑटोमेटिक गेट फॉर खड़कवासला डैम इन पूना। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इस काम की इतनी प्रशंसा हुई कि अमेरिका की मशहूर पनामा नहर के लिए इसी डिजाइन की नकल की गई। तो दैट टाइम अमेरिका ऑल्सो दे कॉपीड दैट डिजाइन। फिर क्या था, विश्वेश्वरैया का नाम विदेशों में भी फैल गया था। नाउ इन होल वर्ल्ड ही बिकेम फेमस। विश्वेश्वरैया ने जब बंबई तथा सिंध में वाटर वर्क्स का प्रबंध करने में बड़ा नाम कमाया तब सन 1906 में अदन से उन्हें बुलावा आया। वहां पर भी उन्होंने शहर के लिए पानी का इंतजाम किया और नालियां भी बनाई। इस कार्य के साथ उनका बहुत बड़ा नाम हुआ। साथ ही वे देश के बहुत बड़े इंजीनियर्स में गिने जाने लगे। उस समय बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए उनकी सलाह लेना जरूरी समझा जाने लगा। इधर उनकी खूब पदोन्नति भी हुई। सो ही गॉट सो मच प्रमोशन बिकॉज ही वॉज सो मच टैलेंटेड। ही वॉज मेकिंग कैनाल, ही वॉज मेकिंग स्मॉल वाटर एग्जिट्स एंड ही वॉज अरेंजिंग वाटर। तो ही हैव सम स्पेशल टैलेंट दैट इज इन होल वर्ल्ड He became famous and he got promotion. विश्वेश्वरैया की ख्याति तथा पदोन्नति देख कुछ इंजीनियर्स उनसे ईर्ष्या करने लगे। Now, because of that, there are so many colleagues he got jealous from him.
इसके दो कारण थे। एक तो विश्वेश्वरय्या की उम्र उस वक्त केवल 47 की थी और दूसरी बात वे उनके पुराने तथा सीनियर इंजीनियरों से वेतन तथा पद की दृष्टि से भी आगे बढ़ गए थे। सो वाई दे गॉट जेलस बिकॉज दैट टाइम ही वॉज ओनली 47 एंड मोस्ट ऑफ द सीनियर्स ऑल्सो दे डिडंट गॉट दिस मच नेम एंड फेम दैट इज एन दे आर फीलिंग जेलस। वे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पहले से ही थे, तीस पर भी वह हर बात में उनकी सलाह ली जाती थी। तो फॉर स्मॉल स्मॉल वर्क ऑल्सो दिस डिपार्टमेंट आर टेकिंग सजेशन फ्रॉम द विश्वेश्वरय्या दैट इज एन द पीपल दे आर फीलिंग जेलस विथ हिम। इस प्रकार अपने ही पेशे के लोगों में असंतोष देख विश्वेश्वरय्या ने एक दिन अचानक नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ही रिजाइन विश्वेश्वरय्या। नियमानुसार उन्हें पेंशन मिल नहीं सकती थी मगर उनकी विशिष्ट सेवाओं तथा योग्यताओं को देखते हुए पेंशन दी गई। सो अकॉर्डिंग द रूल ही कांट गेट दिस पेंशन स्कीम बट बिकॉज ही सो मच टैलेंटेड एंड ही गिवन स्पेशल सर्विस दैट रीजन ही गॉट पेंशन। नौकरी से निवृत्त से पेंशन पाने के बाद विश्वेश्वरय्या हैदराबाद राज्य के इंजीनियरिंग सलाहकार नियुक्त हुए। नाउ वेयर ही शिफ्टेड ही केम हैदराबाद ही रिटायर्ड फ्रॉम दैट जॉब एंड दिस एडवाइजर इंजीनियरिंग एडवाइजर एज इंजीनियरिंग एडवाइजर ही सेलेक्टेड। उन दिनों हैदराबाद रियासत पर निजाम नवाब का शासन था। दैट टाइम हु वाज द किंग निजाम नवाब। नवाब दुनिया के सबसे बड़े अमीर माने जाते थे। दैट टाइम ही वॉज अ वेरी रिच किंग। परंतु हैदराबाद नवाब के सामने एक मुसीबत आ गई थी, वह थी मूसी नदी के बाढ़। सो दैट टाइम ही हैव वन बिग प्रॉब्लम व्हाट बिकॉज देर इज अ रिवर नेम मूसी रिवर। सो दैट टाइम एवरी ईयर सो मच फ्लड वॉज कमिंग। हर वर्ष मूसी में भयंकर बाढ़ आती थी और इस वजह से खूब तबाही हो जाती थी। उस बाढ़ का पानी हैदराबाद नगर में घुस जाता था जिससे सारे कामकाज बंद हो जाते थे। सो दैट टाइम दैट वाटर विल फुल्ली ओवरफ्लो इन ऑल द हैदराबाद सिटी एंड ऑल द वर्क स्टॉप्ड। विश्वेश्वरय्या ने मूसी नदी पर काबू पाने की योजना बनाई और बांध भी बनाया। तो व्हाट ही डिड ही मेड अ बिग डैम एंड ही कंट्रोल द वाटर ही मेड अ प्लान फॉर कंट्रोलिंग द वाटर। साथ ही हैदराबाद नगर के लिए पानी तथा नालियों का भी बड़ा अच्छा इंतजाम किया। ही मेड दैट वन कैनल एंड ही अरेंज द वाटर। हैदराबाद नगर को सुंदर बनाने की योजना बनाई। नगर के बीच में एक बागे आम नाम से मशहूर एक सुंदर पब्लिक गार्डन आप ही की योजना का फल है। यह सुंदर नगर आज आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तो व्हाट ही मेड अ वन ही डिड सो मच वर्क फॉर हैदराबाद एंड ही मेड अ ब्यूटीफुल सिटी दैट हैदराबाद एंड In the middle of the city, he made a Bage Aam public garden. So now we can know as that city, Andhra Pradesh, capital of Andhra Pradesh. So this paragraph is very important. What he did for Hyderabad and which river flood was coming and who is that king of Hyderabad, you should know. दक्षिण की रियासत में हैदराबाद के बाद मैसूर का नंबर आता है। नाउ इन साउथ व्हाट ही डिड ही केम मैसूर। मैसूर के राजा उस समय कृष्णराज ओडियार थे। तो दैट टाइम हु वाज द किंग कृष्णराज ओडियार। आई थिंक एवरीवन नो दिस वन। वे एक कुशल शासक ही नहीं अपितु दयालु हृदय के भी थे। ही वाज वेरी गुड किंग एंड ही वाज वेरी काइंड। वे अपनी प्रजा को हमेशा सुखी देखना चाहते थे। इसके लिए वे नई नई योजनाएं कार्यान्वित करना चाहते थे। अपने उन उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु मैसूर के महाराजा ने विश्वेश्वरय्या को मैसूर का आने का निमंत्रण दिया था। वाज थिंकिंग सो मच अबाउट हिज पीपल दैट इज एन ही कॉल्ड विश्वेश्वरय्या ही इनवाइटेड विश्वेश्वरय्या। विश्वेश्वरय्या भी मैसूर राज्य के निवासी थे। उन्हें अपनी मातृभूमि की सेवा करने का आनंद अनुभव हुआ। सो ही वॉज ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम मैसूर ओनली दैट इज एन is a motherland so that is when he was also feeling proud he get chance to give service his motherland. We Mysore ke chief engineer ke pad par niyukt hue. To Mysore mein what position he got now chief engineer in Mysore. Is pad par unhone 3 varshon tak karya kiya. He did for how many years he did for 3 years. Vishweshwarya ki karya kushalta
एवं शासन शासन पटुता पर महाराज मुग्ध द किंग ही वॉज सो मच हैप्पी हाउ हाउ नाइसली ही वॉज डूइंग वर्क।